नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लखनादून, गुरुवार को गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन लखनादून द्वारा सिवनी जिला के लखनादून महाविद्यालय में विगत वर्षों से स्टेशनरी ना मिलने के कारण समस्त कॉलेज छात्र छात्राओं और जीएसयू लखनादून द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय लखनादून में विगत वर्षों से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष महाविद्यालय विभाग द्वारा मिलने वाली स्टेशनरी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ओपन बुक के तहत सीसी पेपर की बुक उपलब्ध न होने से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आगे होने वाली मुख्य परीक्षा विद्यार्थियों के समक्ष चिंता का विषय है। 7 दिवस के अंदर समस्याओं का निराकरण न होने पर विद्यार्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह ज्ञापन देते समय जीएसयू ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रभान ककोड़िया, जिला सचिव दुर्गेश उइके, एडवोकेट शिव चंद्रवंशी, ब्लॉक प्रभारी रामकिशोर उइके, ब्लॉक महासचिव सुमित भवदिया, मीडिया प्रभारी रविन्द्र मरावी, सदस्य शैलेश हके, उपाध्यक्ष गोविंद उइके, कोषाध्यक्ष सतो श्याम, लालू प्रसाद इनवाती, नेहा ककोड़िया, रेशमा इरपाचे, ओम प्रकाश परते, हल्की उइके, अक्षय अरेबा, सोनम श्याम, अम्बेश परते, संध्या मरावी, नेहा भलावी और समस्त कॉलेज छात्र छात्राएं शामिल रहे। अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील लखनऊ, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। जिला सिवनी अंतर्गत लखनऊ महाविद्यालय विगत वर्षों से स्टेशनरी न मिलने के संबंध में ज्ञापन। मान्यवर जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि जिला सिवनी अंतर्गत स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय लखनऊ में विगत वर्षों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष शिक्षा विभाग द्वारा मिलने वाली स्टेशनरी अभी तक विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं हो पा रही। विगत वर्ष 2020 से वर्तमान वर्ष तक स्टेशनरी न मिलने के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में बड़ी ही कठिनाई जा रही है। वर्तमान समय में चल रहे ओपन बुक के तहत सीसी पेपर, जिसमें विद्यार्थियों के पास बुक उपलब्ध न होने से अथक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आगामी समय में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा विद्यार्थियों के समक्ष बड़ा ही चिंता का विषय बना हुआ है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि समस्त विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द 7 दिवस के अंदर इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें। उक्त दिवस के अंदर समस्याओं का निराकरण न होने पर समस्त विद्यार्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। प्रतिलिपि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय जी, मध्य प्रदेश। जिला कलेक्टर महोदय जी, जिला सिवनी। सहायक आयुक्त महोदय जी, जिला सिवनी। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन आज लखनऊ ब्लॉक के तहसील में आया, किस मुद्दे को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया? स्टेशनरी जल्द से जल्द ना मिलने के कारण और हमारी जो परीक्षा आ रही है पास में आ रही है, तो सर को जल्दी से स्टेशनरी देनी चाहिए उसको लेकर, और जो बच्चों की स्कॉलरशिप भी नहीं मिली है उसको भी वापस करने के लिए, वो भी नहीं मिल रही है जल्द से जल्द। ठीक ठीक, डांटते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है। ओके, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन आज किस मुद्दे को लेकर के ज्ञापन सौंपने आया है लखनऊ तहसील? मैं जीएसपी ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रमान ककुड़िया। आज हम जो महाविद्यालय में वर्तमान समस्या है और विगत वर्षों से भी विद्यार्थियों को स्टेशनरी नहीं मिल रही, जिसके कारण विद्यार्थियों को अथक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो सीसीए पेपर चल रहे हैं, तो विद्यार्थियों को जब बुक ही उपलब्ध नहीं हो पाएंगी तो किस तरीके से वो अपनी परीक्षा परिणाम आएगा, ये अपन भली भांति समझ सकती है। इसलिए हम शासन प्रशासन को यह होश में लाना चाहते हैं और यह अवगत कराना देना चाहते हैं कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को जो महाविद्यालय द्वारा स्टेशनरी मिलती है, वह जल्द से जल्द विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाए ताकि अपनी आगामी मुख्य परीक्षा में अच्छे से अच्छा परिणाम ला सके। और अभी भी एक समस्या और बनी हुई है, जो हमारे धूमा क्षेत्र से कुछ विद्यार्थी आते हैं, उनसे एक आम नागरिक से 50 रुपया और एक विद्यार्थी से 50 रुपया, तो इस प्रकार से ये विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो हम उसको लेकर भी, समस्या को लेकर भी मतलब अधिकारियों के समक्ष आए थे, तो उसका भी थोड़ा सा किराया कम होना चाहिए और जल्द से जल्द विद्यार्थियों को स्टेशनरी मिले, ये हमारी मांग है। और यदि 7 दिवस के अंदर हमारी स्टेशनरी की जो मांग है वो पूर्ण नहीं हुई, तो हम समस्त विद्यार्थियों के साथ आगामी 7 दिवस के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी।
क्या आपको लगता है परिवहन विभाग मतलब छात्र हित में किराए को कम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि यदि नहीं करेगा तो हम समस्त विद्यार्थियों के साथ ये जो अपनी नेशनल हाईवे रोड हम इसको भी जाम करने के लिए तत्पर है। यदि हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार और अन्याय यदि बंद करना नहीं हुआ। लखनऊ दोन से खबर समय जगत के लिए निकेलाल अहिरवार की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।